ये ढूंढा को छोड़ ना भैया, हाँ बैठा आराम से भैया, बजाना देखना, खींचा आसन नहीं पड़ेगा उजाला वो तो काम पड़ा ना, पलटा बिच्छेद किधर यहाँ पर चढ़ जाओ, कार्ड पड़ेगा उबरे क्या है भैया, एक मिनट भैया ना बच्चा आएगा सर, मांग नहीं डाले का अरे साहब फरार हो गए, चले गए बाहर निकले की, चलो पहले साथ में ये तो आपके लिए लगी है ना, जाते हैं ढक्कन ढक्कन ये है जी, अरे टार्च वाले भैया इधर यहाँ पास में आ जाओ भैया, निचोटा वाले सब सामान को है कोसों में खड्डा होगा ना, खड्डा खड्डा होगा ला दो, वो कॉफी के जो खड्डे रहते हैं ना सामने को खा के दे, नहीं नहीं खट्टा बस चाहिए तुम खा के दे दो, भागने के उद्देश्य दबाया नहीं उसने मुंडी को, हवा पाते ही वो सीधा छेद करना पड़ेगा उसमें, छेद कर इसका गर्म करूँ क्या, खिला हो खिला दे ना, खिला सुन जाएगा पूरा एकदम कुपार है क्या भैया, नहीं करता है वो देख पूरा मौका नहीं छोड़ा है बाहर निकलने का, वो लंबा है भैया बहुत, ठीक है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू भैया प्रकृति के संग में, तो दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अभी कंपाउंडर टोला रहीम भाई जैन के यहाँ, और इन्होंने पहले ही बता दिया था कि डांडेकार है करके, क्योंकि ये सांप अच्छे से पहचान लिए थे उन्होंने, और देखिये दोस्तों ये इतना हेल्दी सांप है जो मैं अभी तक के जो रेस्क्यू हुआ है हम लोगों के जितने भी करैत जो कॉमन करैत जो रेस्क्यू हुए हैं उसमें सबसे बड़ा अभी तक के का सांप है ये,
लगभग 3.5 से 4 फीट का लगभग है ये, और काफ़ी मेच्योर्ड है और काफ़ी हेल्दी है, और शायद इसने स्किन अभी रिलीज किया है क्योंकि जिस हिसाब से इसकी शाइनिंग लग रही है, हालांकि अभी इतना उजाला नहीं, इसलिए कुछ कंफर्म नहीं बताया जा सकता। बाकी एक ये प्रोबेबली ये है कि फीमेल कॉमन करे थे ये, हमारे इधर इसको डांडेकार बोला जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बंगरस सेरुलस है, और इसकी जो फीमेल है लगभग 10 से 15 अंडे देती है, और इसकी जो अधिकतम लंबाई है 6 फीट तक हो सकती है, और ये भारत का सबसे जहरीला सांप होता है, और इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है इस सांप को। इसका दूसरा नाम साइलेंट किलर है क्योंकि ये ज़्यादातर मिडनाइट ही बाइट करता है, और बिस्तर में चढ़कर या जो नीचे सोते हैं उनको बाइट कर लेता है, और इससे तो प्रोबेबली 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रोबेबली ये रहती है कि डेथ होगी, क्योंकि ये जब काटता है तो पता नहीं चल पाता, इसलिए इसे जो रेस्क्यू करते समय भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि कहीं हमारे हाथ में ना आया हो, और ना आने भी नहीं देते हम लोग इस चीज़ का, क्योंकि इससे पता नहीं चल पाता कि इसने बाइट किया, क्योंकि जब ये काटता है तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती कि इसने काटा है। इस पर हाईली न्यूरोटॉक्सिक प्रीसिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है इसमें हाईली, तो जब ये काटता है तो शुरू में तो पता नहीं चलता कि इसने काटा है, और इसके जहर का असर भी बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत ही धीरे चलता है एकदम इसका जहर का असर, और अचानक से लगभग 1-1.5 घंटे बाद समझ में आता है कि कुछ हो रहा है, तो सबसे पहले पेट में मरोड़ होती है, इस पे जोड़े में दर्द होगा, सर दर्द होगा, आंखें धुंधली होगी, आवाज चौंकने लगेंगी, इसके लक्षण है, और इसमें आदमी कोमा में भी चला जाता है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे रहीम भैया को, ये हमारे रहीम भैया है कि उन्होंने सांप को चाहता। रहीम भैया कैसे देखे थे आपने सांप? सांप सर जी वो क्या है, घर के दरवाजे से अंदर घुस रहा था। देखिए दोस्तों, घर के दरवाजे से घुस रहा था, इधर पूरा पूरा कचरा है, मतलब है ही कुछ लगा है इनका, पौधे लगे अदरक लगा है, और वो घर तरफ घुस रहा था, फिर उसके बाद इधर अपने आप आ गया क्या? मुड़ गया, अच्छा दरवाजा लगा दिया दोस्तों, नहीं तो ये चला जाता, तो वैसे भी पता नहीं चलता, तो एक हादसा वैसे ही होते होते बच गया, शुक्र है भगवान का। उसके बाद वो इधर आ गया, उसके बाद दोस्तों वहां से लेके वो कितनी दूरी तय करते इधर आके चुपचाप यहाँ बैठा था बोलते हैं लोग, तो हमें फोन आया था, हम ऑफिस में थे, तो हमारे एक भाईजान हमारे साथ साथ में नहीं आया, एक और रेस्क्यूअर है वो भी साथ में नहीं आया, तो आज मैं अकेला आया हूँ, और हमारे साथ एक हमारे भैया हैं सपोर्टर भैया किशन जी, एनजीओ से बिलोंग करते हैं, तो उनको लेके आया हूँ। तो ठीक है रहीम भाईजान, धन्यवाद आपको, आप लोगों को भी धन्यवाद, नहीं हमारा तो काम है, आपने नहीं मारे उसको, नहीं तो क्या है जनरली मार दिया जाता है। नहीं हमने बोले अब इसको अपन लोग मत मारो, मैंने बोली तो दोस्तों हम इसकी ऑक्सीजन की व्यवस्था कर देते हैं ताकि इसको सांस गर्म करके रुक रहे, किला नहीं है कि छोटा वाला, इसे गर्म करके किला लाओ। तो ठीक है दोस्तों, रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट रेस्क्यू में। जय हिंद।